तो हाय रुस्लान, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, ये रिश्ते हैं प्यार से एक अच्छा सा मैसेज दिया है, मतलब आपने अपने सोशल हैंडल पर और शो को राइट. छोड़ा है, तो क्या कहना चाहेंगे? ऑनेस्टली मैंने बहुत कम वक्त बिताया इस सेट पर, एक ही महीने के लिए शूटिंग की थी मैंने, बट इट वाज एक्चुअली वन ऑफ माय बेस्ट एक्सपीरियंसेस काम को लेकर, और जो सेट पे एनवायरनमेंट था इट वाज रियली नाइस, वेरी पीसफुल, और काम भी मेरा बहुत अच्छा हुआ है इस शो में. और मुझे लगता है कि ये सिर्फ उन लोगों के वजह से है जो कास्ट एंड क्रू है, दे वर ऑल वेरी रिस्पेक्टफुल, बहुत प्यारे लोग हैं यार. और जब मैं जा भी रहा था, मैं सबको थैंक यू बोल रहा था, तो मेरे डायरेक्टर ने खुद बोला, मैंने बोला कि आप जैसे मुझे कभी मिले नहीं है, एंड ही सेड दैट क्योंकि ये है, ये रिश्ते हैं प्यार के, एंड इट इज ट्रूली लाइक दैट, एवरीबॉडी वॉज लाइक अ फैमिली. और मैं आउटसाइडर था एक तरीके से, बट मुझे भी इतने अच्छे से सबने एक्सेप्ट किया कि मुझे बिल्कुल ऐसा लगा ही मैं एक महीने के लिए काम करके निकल गया हूँ. ये पहले से ही डिसाइडेड था कि आपका काम इतने ही समय होगा, या फिर मतलब ऑल ऑफ सडन सब? नहीं, डिसाइडेड था कि एक महीने का होगा, पर अगर स्ट्रेच होगा तो एक वन एंड हाफ मंथ तक जा सकता है, क्योंकि ऑनेस्टली अभी इस वक्त मेरे घर पे बेबी भी है जी, और मैं नहीं ऐसा कुछ मैं लूं जो मैं घर पे रहूं ही जी, कि सर्वेंट्स भी नहीं मिल रहे हैं जी, तो मेरी वाइफ अकेले कब तक मैनेज कर पाएगी. Exactly. तो ये कॉन्शियस डिसीजन था कि ये अगर मैं एक महीने के लिए कर लूंगा या डेढ़ महीने के लिए करूंगा, उसके बाद फिर मेरी जरूरत होगी घर पे, कि एक्चुअली मेरी वाइफ को अपना काम, वो भी नौकरी करती है, तो उनका वो मैटरनिटी लीव खत्म हो जाएगा, तो शी विल स्टार्ट वर्किंग, तो आई हैव टू बी होम एंड लुक आफ्टर द बेबी. शो में जब आपने एंट्री की थी, काफी एक्साइटमेंट थी ऑडियंस को भी कि यू नो कबीर और रविष्ठ के बीच में क्या तूफान आएगा, सब कुछ आएगा. थोड़ा सा बताना चाहेंगे कितना आपने एंजॉय किया पूरा, और अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे कि जो अभी दिखेगा वो क्या होगा? ऑनेस्टली मेरे हिसाब से जितना मेरा ट्रैक था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि इससे ज्यादा उसे स्ट्रेच करना आई थिंक वो अननेसेसरी होता, और वो मेरे इमेज के लिए भी अननेसेसरी होता. ये जितना मुझे यूज किया गया है इस ट्रैक में, जो मैंने टर्मोइल या जो भी कॉन्फ्लिक्ट शो में लाया था, वो इतना ही स्ट्रेच हुआ जा सकता था. अभी इससे ज्यादा अगर मुझे स्ट्रेच करते ना, तो मैं वो टिपिकल विलेन बन जाता. मुझे एक ऐसा कैरेक्टर लेकर आए थे जो इंटरेस्टिंग था, यू नो क्यूट था, लवेबल था, कॉमेडी था, फिर धीरे धीरे करके उसकी चीजें खुलनी स्टार्ट हो जाती है, एंड इवेंचुअली वो कैसे नेगेटिव हो जाता है, या नेगेटिव वो पहले से ही था. तो आई थिंक यू नो मच ऑफ अ ग्राफ वाज इनफ, एंड जो शो था मेरे हिसाब से इट इज अ रोमांटिक काइंड ऑफ अ फैमिली ड्रामा, तो उसमें ये मर्डर मिस्ट्री लाना आई थिंक ये शो के लिए भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया था. एंड नाउ आई थिंक दे विल गो बैक टू देयर फैमिली ड्रामा एंड ऑल देयर यू नो जो भी उनके फैमिली पॉलिटिक्स थे, उसमें वापस शो चला जाएगा. एंड फाइनली अपने फैंस से कुछ कहना चाहेंगे? फैंस को तो मैं यही कहूंगा कि जो मेरे लॉयल फैंस है वो तो MP3 तेरे संग जिले जरा के टाइम से है, और वो तो मतलब काफी सालों हो गए ये जो प्रोजेक्ट्स मैंने किए थे, मैं खुद भूल गया उनके बारे में, बट इन फैंस को अभी भी ऐसा लगता है कि ये कल ही देखा है हमने, एंड दे आर सो कनेक्टेड टू इट, सो आई कैन जस्ट थैंक देम. अभी मेरा बेबी हुआ है, वो इतना प्यार दिखाते हैं रयान के लिए, मेरी वाइफ के लिए, आई एम जस्ट ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये रिश्ते हैं प्यार के जो फैंस है, मैंने नेगेटिव रोल किया था, तो नॉर्मली मैं हमेशा डर रहा था कि यू नो वो फैंस ना बहुत गलत गलत लिखते हैं अगर कोई नेगेटिव करता है तो, बट मेरे यू नो इंस्टाग्राम पे इतने सारे कमेंट्स आए हैं कि यू आर द फर्स्ट विलेन दैट वी हैव लव्ड, एंड इतने सारे कमेंट्स आए हैं दैट दे रियली लव्ड माई वर्क, एंड दैट इज द शॉकिंग पार्ट, यू नो. सो आई जस्ट फील दैट जितना मुझे मिल सकता था इस शो के जरिए मुझे मिला है. बहुत मुश्किल होता है जब नफरत दिखाकर लोगों का प्यार पाना हो. Exactly. एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो बिकॉज यू नो मेरे डायरेक्टर ने मुझे बहुत अच्छा काम करवाया था. उन्होंने बोला था तू विलेन नहीं है, यू आर नॉट अ विलेन, यू हैव अ मोटिव, यू हैव कम फॉर दैट मोटिव, एंड दैट्स इट. एंड आई रियली प्लेड इट लाइक दैट, आई प्लेड इट जैसे कि मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मैं सिर्फ वो अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ. एंड उसमें से जब मैंने ऐसे उसे दर्शाया, उसमें वो इमोशंस डाल दिए, तो नेगेटिव नहीं था एनीमोर. चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. थैंक यू अ लॉट. थैंक यू सो मच. ओके, बाय बाय.